नमस्कार कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत अभिनंदन एवं आभार। आज हम अपनी कक्षा में अपनी संचयन की पाठ्यपुस्तक के पाठ द्वितीय जिसका शीर्षक दिया गया है सपनों के से दिन का आगाज करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह जो एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने ठेठ ग्रामीण देहाती परिवेश से अपना अध्ययन शुरू किया और अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए उनको कठोर आर्थिक संघर्षों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने इन्हीं कड़वे अनुभवों को इन्होंने अपनी किताबों में साझा भी किया। इनके द्वारा लिखी गई कई किताबों को कई महाविद्यालयों में पढ़ाया भी गया। ये अपने अध्ययन को जारी रखते हुए महाविद्यालय यानी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत रहे और खुद अपनी ही किताबों को यानी अपने द्वारा लिखी गई किताबों को इनको वहां पढ़ाने का मौका भी मिला। इस तरह एक साहित्यिक यात्रा करते हुए इन्होंने अपने योगदान से हिंदी साहित्य को अपनी उपलब्धियों से सरोबार कर दिया। तो चलिए इसी पाठ की शुरुआत करते हैं जो भी इनके द्वारा लिखा गया है सपनों के से दिन। ये पाठ सिर्फ इनका नहीं है बल्कि हर एक उस बच्चे का है जो बच्चे दिन में भी सपने देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे यार काश हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता जैसा मैं चाहता हूं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर एक छात्र जो है अपनी तरफ से क्या करता है, प्रयास करता है। उन प्रयासों में जो सफल हो जाते हैं उनके सपने पूरे होते हैं, और उन प्रयासों में जो विफल हो जाते हैं उनके सपने सारे धाराशाही हो जाते हैं यानी चकनाचूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कैसे एक गुरदयाल सिंह ने अपने सपनों को पूर्ण किया, अंजाम दिया, और उन सपनों के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को भी हासिल किया। तो पाठ की शुरुआत है जो प्रथम पृष्ठ है उस पृष्ठ पे दिया गया है इनके गांव का वातावरण और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण परिवेश और पारिवारिक आर्थिक स्थिति के विषय में इस प्रथम पृष्ठ पर जानकारी दी गई है। शुरू करते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा था। क्या हाल था? नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे हुए कुर्ते और उनके बिखरे हुए बाल। मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको समझाने की आवश्यकता पड़े। ये वही चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते नीचे को भागते तो गिरकर कई जगह तो कई लोगों को या कई बच्चों को कहां कहां चोट लगती थी। पहले से ही कपड़े फटे पुराने कुर्ते थे वो और तार तार हो जाते थे, यानी गिरने पड़ने से वो और ज्यादा फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव और पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत की या मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जब वो घर जाते तो सभी की माँ बहने क्या करती, उन पर तरस खाने की बजाय और पिटाई करती। आपको पता है कई बार ऐसा होता है घरों का माहौल कि जब बच्चे जो है वो खेल खेलने के बाद अपने घर की ओर लौटते हैं तो खेल खेलते समय वो चोटग्रसित हो जाते हैं। तो मम्मी कहती है कल मत जाना खेल खेलने के लिए, बार बार चोट लगवा के आ जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने माता पिता से इस चीज को शेयर करना बंद कर देते हैं कि अगर मैं उनको बताऊंगा कि मेरे चोट लगी है तो मेरे को अगले दिन जाने से मना कर देंगे। इसलिए क्या करते हैं, उन घरों में क्या करती है फिर माँ बहनें परेशान होकर उनकी सहानुभूति जताना, उनकी गांव पर मरहम पट्टी करना तो छोड़ो बल्कि उनकी और पिटाई करती है। कईयों के तो बाप बड़े गुस्सैल थे, अब पापा और भी ज्यादा क्रोधित थे। क्रोध के मारे वो क्या किया करते थे, देखो पीटने लगते तो ये भी ध्यान नहीं रखते थे कि छोटे बच्चे के नाक या मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहां चोट लगी है, यानी आए जैसे दमादम उसकी पिटाई शुरू कर देते थे कौन, पिता। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने के बावजूद भी दूसरे दिन फिर खेलने के लिए तैयार हो जाते। ये बात अब समझ में आती है जब स्कूल का अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया। आपको पता है टीचर्स की ट्रेनिंग होती है जिसे बीएड कहा जाता है, और वहां बाल मनोविज्ञान के विषय को पढ़ाया जाता है। ऐसी ऐसी बातों के बारे में तभी लेखक कहता है मैं जान पाया कि बच्चों को खेलना इतना क्यों अच्छा लगता है कि बुरी पिटाई होने के बावजूद भी वो खेलने चले जाते हैं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी यही है कि बच्चे जो है अपने मन में जो द्वेष है, जो मतभेद है, जो बुरी भावनाएं हैं उनको ज्यादा समय तक नहीं रख पाते। तो अब लेखक क्या कहता है, देखो मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के थे। अब परिवार की क्या स्थिति है, परिवार की आर्थिक स्थिति के विषय में बता रहे हैं। देखो सारे मोहल्ले में बहुत से परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से आकर बसे थे, यानी उसी एरिए के थे। दो तीन घर ऐसे थे जो साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे, यानी पास ही की गली जो बहुत उजाड़ बियाबान सुनसान हो चुकी थी
उन लोगों ने अपने घर जो है लेखक के घर की गली के वहां ले लिए थे। हमारी सभी की आदतें भी मिलती जुलती थी, उनमें से अधिक स्कूल जाते ही नहीं थे देखो, और कभी गए भी थे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने की वजह से किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आते थे और फिर स्कूल नहीं जाते थे। अब आपको पता है कि कई बार बच्चे जब स्कूल जाने से जी चुराते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, माता पिता बच्चों को फोर्स करते हैं, कब, जब माता पिता के पास सुविधाएं हो। यहाँ माता पिता के पास सुविधाएं नहीं है तो माँ पापा जो है जबरदस्ती उनको भेजते भी नहीं थे, ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती उनको भेजा। यहां तक कि परचून आपको पता है राशन की दुकान चलाने वाले, आड़तीय होते हैं बढ़ई गिरी का काम करने वाले जिसे आप कारपेंटर कहते हो, ठीक है, ये लोग भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक संकीर्ण मानसिकता काम कर रही है कि आपको पता है कि ये सोचते हैं कि हमारे घर का पैतृक धंधा है, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो पैतृक धंधा तो संभालेगा ही। तो कभी किसी स्कूल के अध्यापक से बात होती तो कहते हैं मास्टर जी हमने कौन सा इसे कोई तहसीलदार लगवाना है, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से। अब यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड का नीचे देखो थर्ड मीनिंग दिया हुआ है, सेकंड मीनिंग दिया गया है हिसाब किताब रखने वाली प्राचीन लिपि। यानी घनश्याम दास एक व्यक्ति है जो हिसाब किताब रखने वाली प्राचीन पंजाबी लिपि में उस पूरी आप जिसे कहते हो बही खाते, कहते हो ना लाल कवर होता है मोटा सा गत्ता लगा होता है उसके अंदर बड़े बड़े पेज होते हैं, उस पेजों पर वो अपना सारा हिसाब किताब रखते हैं, उसे कहते हैं बही खाते। यानी घनश्याम दास से ये बही खाते पढ़वा कर दुकान पर उन सारे बही खातों का हिसाब लिखना सीख लेंगे। तो पंडित 6-8 महीने में इन सारे बही खातों को और मुनिमी के समय सभी कामों को उन्हें सिखा देंगे। वहां तो अभी तक अलीफ बे चीम ज यानी ये ए बी सी डी भी नहीं सीख पाए हैं, अलीम बेस चीम ज का क्या अर्थ है, ए बी सी डी तक नहीं सीख पाए हैं, कहां स्कूल जाकर के। अब ये लेखक बता रहे हैं कि हमारे साथ जो बच्चे खेलने वाले होते थे उन बच्चों का अलग अलग प्रांत था, कोई पंजाब से थे तो कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, तो राजस्थान की अलग लैंग्वेज आ जाती है जिसे राजस्थानी या मारवाड़ी कहते हैं, हरियाणा और पंजाब की वहां पंजाबी या हरियाणवी भाषा आ जाती है। लेकिन जब वो बच्चे आपस में खेल खेलते थे तो उनके लिए लैंग्वेज यानी भाषा कोई बाधक तत्व नहीं था, बल्कि एक दूसरे की भाषा को समझ करके खेल के हिसाब से उस भाषा को ट्रांसलेट कर लिया करते थे। लेखक क्या बता रहे हैं देखो, हमारे आधे से अधिक साथी जो है वो राजस्थान या हरियाणा से आकर हमारी मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने वाले परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ आती थी, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात को खूब अच्छी तरह से समझ लेते थे। पता नहीं ये भी पता नहीं चला कि लोकोक्ति क्या दिए है, देखिए यहाँ स्थानीय भाषा में लोकोक्ति का क्या अर्थ है, लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां जो वहां की स्थानीय भाषा में प्रचलित होती है, क्या है लोकोक्ति, एह खेड़न दे दिन चार कैसे कब बीत गए, यानी खेलने के चार दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद नहीं समझता था, कई बच्चे आज भी समझते हैं स्कूल जाना उनके लिए जेल बराबर है। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे, यानी स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने घर के कामों में हिस्सेदारी निभाएंगे। अब ये देखो अपनी जैसी हरकतें हैं बच्चों वाली जो अपने भी कई बारी करते हैं, कैसे कोई रास्ते में चलते हुए अपने को किसी के फूलों की क्यारी दिख गई तो फूल अगर उस पर लदे हुए हैं तो फूल उस पर लदे हुए इतने शोभा नहीं दे रहे, जबकि उनको तोड़ करके उनकी पत्तियों को बिखेरना फेंकना, कुछ एक पत्तियों को मुंह में ले लेना है ना, और मजे करते हुए ठोकरे मारते हुए चलना। तो लेखक कहते हैं कि जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल का जो माहौल है उस माहौल से एक अलग सुगंध आया करती थी, वो सुगंध हमारे मन को अच्छी लगती थी, मन करता था ये सुगंध हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब स्कूल में प्रवेश करते थे तो ये कॉपी किताबें ये टीचर्स उनको देख करके हम उनसे आंख बचाने की कोशिश करते थे। क्या कहते हैं देखो, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है ना, छोटे होते हैं तो यूं लगता है अरे यार हरी हरी घास के मैदान हो, कितनी गुलाइचियां खा लो, कितनी उद्यम कर लो, मजा आता है ना। फूलों से लदी हुई अगर क्यारियां दिख जाती है तो उन फूलों की महक लेना, डाली पे लगे हुए नहीं उनको तोड़ करके उन फूलों की महक लेना, उन फूलों को तोड़ करके अपने किताबों के बीच में संजोकर रखना, अपने बैग में रख लेना, भाई ये सारी जो सुगंध है
वो हमारे इन सारे साधनों में, इन तत्वों में फैल जाएगी। तो लेखक कहते हैं, ये शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक हमें याद है। याद रखने का कारण यही है कि ये वाक्य बचपन की भावनाओं और सोच समझ के अनुकूल है। स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर आलियार के बड़े ढंग के कटे छटे झाड़ थे। आलियार एक पौधे का नाम है, और इस अलियार के जो कटे छटे झाड़ियां थी वो उगी हुई थी, जिन्हें हम डंडियां कहा करते थे। आपको पता है, जब आप स्कूल के अंदर एंटर करते हो तो आपको दाई और बाई और स्कूल के दाई साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हरियाली से भरी हुई कुछ झाड़ियां लगी हुई है, उसे ही कहा गया है अलियार। अलियार के जो कटे छटे झाड़ उगे हुए थे, साथ ही नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आंख मूंद कर हम महसूस कर सकते हैं। लेखक कह रहा है, उन दिनों स्कूल की छोटी सी क्यारियों में कई तरह के फूल भी उगाए जाते थे। कौन से फूल? गुलाब, गेंदा, मोतियों की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती थी, जिसे आप क्या कह सकते हो, चाहे चंपा या चमेली के फूल या मोगरे के फूल। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ भी लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी मैं महसूस कर पाता हूँ, परंतु ये याद नहीं कि उनको तोड़कर कुछ देर सूंघ कर क्या करते थे। तो लेखक खुद बता रहा है क्या करता था, देखो, शायद जेब में डाल लेते थे और माँ उसे धोने के समय निकालकर फेंक देती थी, या हम ही स्कूल के बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की भांति खुद ही चर जाया करते थे, यानी उन पत्तियों को खा जाते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते, यानी एक कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे क्लास के अंदर जब हम प्रवेश करते थे, तो एक और तो कुछ बड़े और सयाने होने का एहसास हमें उत्साहित करता था, लेकिन दूसरी ओर नई और पुरानी कॉपियों किताबों से न जाने कैसी बास आती थी कि उन्हीं मास्टरों के डर से हम कांपने लगते थे जो पिछली श्रेणी में हमें पढ़ा चुके होते थे, यानी टीचर्स से पढ़ने का भी हमें डर लगता था। तब स्कूल में शुरू साल में एक डेढ़ महीना पढ़ाई हुआ करते थे। आपको पता है, खूब सारी लगभग ढाई महीने की छुट्टियां होती थी समर ब्रेक की। क्या कहते हैं, स्कूल में शुरू के साल में लगभग एक डेढ़ महीना छुट्टी होती थी, डेढ़ दो महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो ये है कि छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों में क्या फर्क था। छुट्टियों के पहले तो हम खूब एनर्जी से भरे रहते थे, बढ़िया, खूब उद्यम करनी है, मस्ती करनी है, खेल खेलना है। और जैसे छुट्टियों के कम दिन रह जाते थे, छुट्टियों के अंतिम दिन रहते थे, तब डर लगने लगता था किस चीज का। अरे यार, स्कूलें खुलने वाली है, अरे यार वो टीचर्स अपना अपना काम पूछेंगे। अच्छा, वो पता है मैथ्स के टीचर? नहीं, वो हिंदी के टीचर। हाँ, इंग्लिश वाले टीचर, वो बड़े बहुत खराब है यार, अगर काम नहीं मिला तो वो तो हमें मारेंगे, पीटेंगे, सजा देंगे। तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो डर के मारे काम में लग जाते थे, तो छुट्टियों का सारा मजा किरकिरा हो जाता था। और कुछ बच्चे ऐसे थे हमारी तुम्हारी तरह, वो ये सोचते थे कि यार काम का क्या है, टीचर तो वैसे भी मारेगा, दो चार थप्पड़ खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छुट्टियों का तो पूरा एंजॉय लेना चाहिए, ये छुट्टियां दोबारा एक साल बाद ही मिलेंगी। तो लेखक क्या कहता है, देखो, ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ साथ वो अपनी जीवन की यादें भी साझा कर रहा है। वो बता रहा है कि पहले दो तीन सप्ताह तो खूब खेल कूद होती थी, हर साल माँ के साथ ननिहाल जाते थे, जाते हैं ना नानी माँ के घर, वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता वो मांग कर खाते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी, और अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती थी। जिस तरह से जिस साल ननिहाल नहीं जा पाते थे, उस साल हम अपने घर से ही थोड़ा दूर जा करके तालाब पर पहुंचते थे, कपड़े उतार कर पानी में छलांग लगाते थे, कुछ समय बाद भागते हुए फिर एक रेतीले टीले पर चढ़ जाते थे, रेत के ऊपर लेटने लगते थे, फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके उसी तरह भागकर एक ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा लेते थे, रेत को उस गंदले पानी से साफ कर फिर से टीले की ओर भागते थे। याद नहीं, ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार करते। कई बार तो तालाब में कूद कर ऐसे हाथ पांव हिलाते जैसे खूब अच्छे तैराक हो, यानी बहुत बढ़िया स्विमर हो, परंतु एक दो को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते, गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उनको बाहर लाने के लिए किसी भैंस की सींग या उसकी पूंछ को पकड़कर उनको बाहर आने की सलाह देते थे। यानी गांवों में उस समय तालाब में उन बच्चों के साथ साथ गाय और भैंसे भी नहाया करती थी। फिर
फिर उनको ढांढस बंधाते, भाई आगे ज्यादा कोशिश मत करना स्विमिंग करने की, नहीं तो फिर कहीं गहरे चला जाएगा तो डूब कर मर जाएगा, यानी उनको हिम्मत बंधाते थे। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भी चला जाता था तो बुरी तरह खांसने लगते थे। कई बार ऐसा लगता था कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। ये यादें साझा की है किसने? गुरदयाल सिंह ने, अपने बचपन की। और यही ऐसा ही कुछ बचपन होता है सभी का, कोई ना कोई बात मिलती जुलती ही लगती है। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, अरे यार प्रत्येक दिन डर बढ़ने लग जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भूलने लग जाते। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता था उसका हिसाब लगाने लगते, जैसे हिसाब के मास्टर जी यानी मैथ्स के टीचर, गणित के उस सर ने हमें 200 से कम सवाल कभी नहीं दिए। मन में हिसाब लगाते, यदि 10 सवाल भी रोज के करते ना तो 20 दिन में पूरे हो जाते। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का एक महीना बाकी बचा हुआ था। एक एक दिन गिनने लगते तो 10 दिन खेल कूद में और चले जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु उस डर को भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है यार, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाल सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाते तो छुट्टियों के कम होते होते सारे दिन भागने लगते। दिन बहुत छोटे लगते थे, ऐसा महसूस होता था सूरज भाग कर दोपहर में छिप जाता है। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का डर और बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते थे। ऐसी सोच हमारे में से भी कई बच्चों की है कि यार छुट्टियों को तो पूरा इंजॉय करें, मारपीट का क्या है, एक आधा डंडा एक आधा थप्पड़ तो यूं ही खा लेंगे। छुट्टियां ज्यादा महंगी है इसलिए छुट्टियों का पूरा मजा लेना चाहिए, थप्पड़ का क्या है, वो तो बहुत सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेखक कह रहे हैं हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे उन बहादुरों की बात ही। कौन बहादुर? जो पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। हम भी सोचते थे कि उनकी तरह सोचें। इसी समय में एक हमारा नेता होता था जिसका नाम था ओमा। अब ओमा कैसा था देखना, इतनी खूबसूरती के साथ उसका कैरेक्टर स्केच बनाया गया है, आप उसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा, और कई बार प्रश्न में भी पूछा गया है। कैसा था ओमा देखिए, इन बच्चों का नेता था। कौन से बच्चों का? जो काम करने की बजाय टीचर की पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। हम सभी उसके बारे में सोचते थे कि हमारे में से भी उसके जैसा कौन था, कभी भी उस जैसा कोई दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाए। उसकी बातें, उसकी गालियां, उसकी मार पिटाई का ढंग, वाह भाई वाह, अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। जब गाली गलौज करता है तो फिर अपने आप ही उसका व्यक्तित्व अलग ही होगा। देखो, हांडी जितना बड़ा सिर, आहा, ठिंगने चार बलिष्ठ शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हुआ हो। कितना सुंदर है देखो, यानी ठिंगना था, हाइट कम थी, और सिर हाइट से ज्यादा डबल बड़ा था। ऐसा लगता है बिल्ली के माथे पर, बिल्ली के बच्चे के माथे पर बहुत बड़ा तरबूज रखा हुआ हो। और फिर ना उनकी आंखें देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ उकेरी गई है। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, बड़ा अजीब लगता था। और लड़ाई वो हाथ पांव से नहीं करता था, सिर से ही करता था, क्योंकि हाथ पैर तो भगवान ने बहुत छोटे दिए हैं कम हाइट की वजह से। सांड की भांति फुंकारता हुआ सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगनों शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते, और हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही तोड़ ना डाले। उसकी सिर की टक्कर का नाम ही हमने रख दिया था रेल बम्बा, यानी कोयले के ईंधन से चलने वाले रेल के इंजन की भांति बहुत बड़ा और बहुत भयंकर, जिसकी टक्कर का तो क्या कहना। ठीक है, हाँ जी, 10th क्लास। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से जो ओमा है वो किस तरह से जो है अपने साथियों के साथ लड़ाई करता था। लड़ाई करने का कारण क्या था कि भाई ओमा को ये लगता था कि मेरी जैसी शारीरिक संरचना वाले बच्चे की ये सारे हंसी मखौल उड़ाया करते हैं, तो मैं उनसे बदला लेने का सामर्थ्य रख सकता हूँ। और सामर्थ्य में वो कैसे बदला लेता था? हाथ पैर कम चलाता था, माथे से ज्यादा अटैक करता था। यस प्रणव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम, ठिंगने चार बलिष्ठ के शरीर का मतलब क्या होता है? ठिंगना था यानी हाइट कम थी, चार बालिष्ठ यानी आपको पता है लगभग शारीरिक संरचना यानी बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी थी जैसे
खूब ज्यादा एक्सरसाइज और वर्जिश करने की वजह से आपको पता है जो हाथ पैर है उनकी संरचना अलग और बलशाली हो जाती है। तो बालिश्त का अर्थ है बलशाली, ठीक है। हाँ तो हाइट कम, लेकिन खूब एक्सरसाइज वगैरह कर करके अपने उसी छोटे से खिंगने से शरीर को भी उसने खूब अच्छी अलग पहलवान वाली संरचना में डाल रखा था। चलो तो आपको पता चल गया कि रेल बम्बे का अटैक जो है उसे हर किसी को डर लगता था, क्योंकि वो हाथ पैर कम चलाता था और अपने माथे के अटैक से ही किसी न किसी की पसली, जो उसके शरीर से डबल हाइट वाला और डबल जो है ताकत वाला था, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। किसके सामने? ओमा के सामने, ठीक है। अब लेखक कह रहा है स्कूल की संरचना क्या थी। आपको पता है कि जब भी स्कूल मैनेजमेंट के विषय में हम पढ़ते हैं ना, तो ये सुनने में आता है कि स्कूल के संरचना एल जो अल्फाबेट होता है उसके हिसाब से होनी चाहिए। भाई एक क्रम में सारी क्लासेस होनी चाहिए, फिर आगे जाकर के राइट साइड मुड़ करके उसके क्लासेस का दूसरा क्रम शुरू होना चाहिए और आगे जो है खूब बड़ा मैदान होना चाहिए, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो लेखक बता रहा है कि हमारा स्कूल कैसा था। स्कूल में एक ऐसा टीचर है, सभी के साथ होता है, कई टीचर होते हैं जो हमें बहुत हल्के लगते हैं, जिनके सामने हम कुछ भी हंसी मजाक कर सकते हैं, और कई टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत वजनी लगते हैं। ऐसा लगता है उनके अगर सामने एक अक्षर भी या एक वर्ड भी बोल दिया, शब्द भी बोल दिया, तो वो टीचर अगर नहीं पसंद करेगा उस शब्द को तो वो हमारा क्या हश्र करेगा। ऐसा ही एक इनका पीटीआई सर था, शारीरिक शिक्षक जिसे कहा जाता है। उस पीटीआई सर का नाम था प्रीतम चंद, जिसे शॉर्टकट नेम लगा दिया बच्चों ने पीटी सर, समझ गए, प्रीतम चंद, प्रीतम, पीटी, पीटी सर, ठीक है ना। क्या कहता है देखो लेखक बता रहा है, हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एच अक्षर की भांति बने हुए थे। एच अक्षर एक इस रो में, एक इस रो में, और बीच में आने जाने के लिए इनका साधन बना हुआ था जो ब्रिज का काम करता था। यानी इस क्लासेस वाले सामने की क्लासेस में जा सकते थे, सामने की रो की क्लासेस में, और सामने वाली रो के जो टीचर्स थे वो इसी रास्ते से लेफ्ट साइड वाले रोज में जो भी क्लासेस है उसमें जा सकते थे। दाई और पहला कमरा था हमारे हेडमास्टर साहब का, जो हमारे बहुत पसंदीदा टीचर थे, जिनका नाम था श्री मदन मोहन शर्मा, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा एक चिक लटकी रहती थी। चिक जानते हो बेटा? चिक होता है एक पर्दा, एक कर्टन। वो कर्टन किसका बना होता है? बांस की पतली पतली डंडियों का। आपको पता है कई घरों के अंदर भी शीशे की जो खिड़कियां होती हैं उसमें चिक लगी होती है। अगर एक साइड के उस धागे को खींचोगे तो वो चिक नीचे की तरफ हो जाती है, और वापस खींचने पर क्या पता ऊपर वो जो है फोल्ड हो जाती है, ठीक है। यानी दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। स्कूल की प्रेयर के बाद जब बाहर आते तो सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े होते थे, हाइट वाइज खड़े होते थे। लड़कों को हाइट वाइज खड़े हुए खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता था। किसका? मदन मोहन शर्मा जी का। सारे अध्यापक लड़कों की तरह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद, जिन्हें बच्चे बुलाते थे पीटी सर, पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े ये देखते थे कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा है। उनकी गुड़की तथा ठुड्डों के भय से, ठुड्डे जानते हो कौनी से की गई मार, उनके भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे और सीधे कतार में बने रहने का प्रयास करते थे। सीधी कतार के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी होनी चाहिए, वन हैंड डिस्टेंस। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि जितना सख्त अध्यापक न उनके जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा और न सुना। ऐसा क्या हॉरिबल था, देखिए। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिलाता या पांव से दूसरे पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और बाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। यानी सीधा पंजा मारते और वो पंजा सीधा उसके सिर पे लगता और उसके बाल पकड़कर अच्छे से उसको होश में लाते थे। कौन? मास्टर प्रीतम चंद। ये तो तरीका अच्छा नहीं है, गलत है, लेकिन पहले जो है शारीरिक दंड जो है वो दिया जाता था। हालांकि ये शारीरिक दंड देना भी उचित नहीं है, देखो इसका भी विरोध होता है। कौन करता है ये विरोध? हेडमास्टर साहब करते हैं। हेडमास्टर साहब क्या
क्या विरोध करते हैं? देखो, हेडमास्टर साहब बड़े पोलाइट थे और बच्चों से बहुत अफेक्शन रखते थे। तो यहाँ पर दिया गया है कि हेडमास्टर साहब उस चीज का विरोध करते थे। हेडमास्टर साहब बड़े पोलाइट थे, देखो उनकी तो मार भी खाना बच्चों को अच्छा लगता था देखना। परंतु हेडमास्टर साहब जो शर्मा जी हैं, वो बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वो पांचवी और आठवीं श्रेणी के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे। हमारे में से किसी को भी याद नहीं है कि पांचवी श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की भी चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम, यानी चमड़ी उधेड़ना वहां पर कॉमन चीज थी। और ऐसे कई टीचर्स थे जो चमड़ी उधेड़ने वाले मुहावरे को भी साकार करते थे, यानी बहुत बुरी पिटाई करते थे। अधिक से अधिक वो गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकने लगते थे और अपने लंबे लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मारते थे। तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते थे, यानी उनकी मार भी हमें अच्छी लगती थी। वो चपत कैसी लगती थी देखो, वो चपत तो हमें भीखे भाई की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी, जो उस समय एक पैसे की शायद दो आ जाया करती थी। यानी ऐसी नमकीन पापड़ी, यानी ऐसी हल्की सी चपत खाना तो अच्छा लगता था। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह नहीं थी जहां हम खुशी से भागे जाएं। पहले कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते स्कूल जाते थे। आज भी कभी कभी मन खराब हो जाता है, अरे यार ये रोज रोज स्कूल का चक्कर तो बड़ा बुरा लगता है, कब मिलेगा इस स्कूल से छुटकारा, है ना। परंतु फिर लगता है कि अरे यार 10th तक आ गए, बोर्ड का एग्जाम दे करके फ्री हो जाएंगे, फिर 11th और 12th, फिर तो कॉलेज वाली लाइफ है। लेकिन बेटा चिंता कभी पीछा नहीं छोड़ते, हर जगह कोई ना कोई नई चिंताएं नई परेशानियां खड़ी हो ही जाती है। क्या कहते हैं देखो, हम कभी कभी ऐसी स्थिति के रहते स्कूल हमें कभी कभी जाना अच्छा लगता था। कब अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1, 2, 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती ये झंडियों के साथ खाकी वर्दी, गले में 2 रंग वाले रुमाल लटकाए हम उसकी प्रैक्टिस करते थे। हमें भी स्कूल जाना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, पर लगता है कि आज यार गेम्स का पीरियड है और टूर्नामेंट करीब आ रहे हैं, तो हमें भी स्कूल आना बड़ा मजेदार लगता था कि यार और नहीं तो क्लासेस से छुटकारा मिल जाएगा, 2 या 3 पीरियड ग्राउंड में रहेंगे और मजे करेंगे, है ना। बिल्कुल वही परिस्थिति लेखक की है। हम कोई गलती नहीं करते थे तो वो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और हमें कहते शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1, 2, 3, 3, 2, 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती थी मानो हमने किसी फौज के सारे मेडल जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी कॉपियों में साल भर मिले हुए गुड्डों से भी अधिक मूल्यवान लगती थी। गुड्डो यानी गुड का बहुवचन है। आपको पता है जब बच्चा अच्छा वर्क करता है तो राइटिंग या अच्छे वर्क की वजह से उसको गुड दिया जाता है। तो ये लेखक बता रहे हैं हमें कि साल भर जो हमें गुड मिलते थे उससे भी ज्यादा कीमती हमें लगती थी प्रीतम चंद के द्वारा कही गई शाबाश। कभी ऐसा भी लगता था कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल हमें बहुत बड़ी लगती थी। ये भी एहसास रहता था कि जैसे गुरुद्वारे के भाई जी कथा करते समय बताया करते थे कि सतगुरु के भाई से प्रेम जागता है, और ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती है। इसको रेखांकित कर लीजिए, कभी कभी ये भय जो हमारे मन में प्रेम के बीज को जगाता है, ये भय हमारे लिए अच्छा होता है। और प्रीतम चंद का जो भय था वो बच्चों के लिए अच्छा था, क्योंकि उसी भय के कारण बच्चे डिसिप्लिन में रहते थे। कई ऐसे टीचर होते हैं बेटा जब आपको लगता है कि ये टीचर हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करते, कारण है कि उनकी ज्यादा बातचीत न करने के पीछे कि बच्चों में ये डर बना रहे कि जो टीचर है वो बहुत गंभीर है और इन टीचर से किया गया मजाक हमारे लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन उस टीचर के सामने बच्चे हमेशा अनुशासन में रहते हैं, तो उन बच्चों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए वो टीचर जो है वो गंभीर प्रवृत्ति बनाए रखता है। तो लेखक कह रहे हैं यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला अगर कोई अपना
साल भर के बाद एक बार अगर शाबाश कह देना तो वास्तव में चमत्कार जैसा लगता है, और हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी। तो इस तरह से आपको पता चला कि वास्तव में प्रीतम चंद जो है वो ऊपरी रूप से सख्त है, लेकिन भीतर रूप से उनका उद्देश्य यही है कि इस सख्ती के पीछे वो बच्चों में अनुशासन प्रियता लाना चाहते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अनुशासन भंग ना कर सके और उनके द्वारा दिए गए नियम कायदों के अनुसार अपना जीवन चलाता चले, ठीक है, और इसी गुण को वो अपने जीवन में भी उतार ले। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, मिलते हैं अपनी कल के क्लास में, जहां हम अपने इसी पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसको चरम उत्कर्ष पर ले जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कब तक ये पूर्ण होता है, लगभग 2 दिन या 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े हैं। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है, आपका सभी का हार्दिक धन्यवाद कक्षा में अपनी सहभागिता निभाने के लिए।